Festival. दोस्तों वो देखो कटी पतंग। भैया वो पतंग चाहिए मुझे। धन्यवाद मेरे दोस्त, मुझे बचाकर तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसका बदला मैं तुम्हें ये पतंग देकर भी नहीं चुका सकता। नहीं नहीं तुम चुका सकते हो। हर जवाब का सवाल हूँ, बच्चा का बवाल हूँ। कटी हुई पतंग पे इतना क्या इतरा रहे हो? दम है तो कल काइट फेस्टिवल में मेरी पतंग काट के दिखाओ। तुम्हारी पतंग काटने के लिए दम की जरूरत नहीं है शेरा, उसकी डोर तो हवा के झोंके से ही टूट जाती है। तुम शेरा को चैलेंज कर रहे हो? तक भी ना दिन तुम काटोगे मेरी पतंग। तो ठीक है, लगी है चॉकलेट की। तो फिर मिलाओ हाथ, लगाओ शर्ट। टीटू, मम्मी ने हमें सिर्फ दो ही पतंग के पैसे दिए हैं। वो दोनों भी अगर कट गई तो पूरा दिन पतंग कैसे उड़ाएंगे हम? भैया आप टेंशन क्यों लेते हैं? आप यही रुकिए, मैं पतंग लेके आता हूँ। यहाँ दुकान के बाहर क्यों खड़े हो मेरे दोस्त? चलो अंदर चल के पतंग खरीद लेते हैं। अरे रुको रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतनी सारी पतंग मेरी तरफ से फ्री। जितनी चाहो उतनी पतंग उड़ा सकते हो। क्या बात है टीटू, अब तो हमें भी कहना पड़ेगा। हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ। काइट कंपटीशन शुरू किया जाए। ये टीटू की पतंग कौन सी है? मुझे सबसे पहले उसी की पतंग काटनी है। गेम शुरू करते हैं। एकदम जोर से उछालना करना प्रसाद। ये पतंग सीधी हवा में जानी चाहिए, कहीं बीच में कट गई तो? कट ही नहीं सकती टीटू, मैंने इसके मांजे में गोंद लगा दिया है। जिसका भी मांजा इसमें उलझेगा इसी से चिपक जाएगा। अरे लेकिन मांजा का ही तुम्हारे हाथ पे चिपक गया तो? डोंट वरी। अरे बचाओ मेरे दोस्तों, मेरा हाथ चिपक गया है। ये कौन सी पतंग है? अरे भैया अब इसका क्या करें?
वो रही टीटू की पतंग। शुरू हो जाओ दोस्तों। हाँ टीटू संभालो। ये सबकी पतंग कट गई, सिर्फ मेरी नहीं कटी, क्योंकि सब में डिफेक्ट है, पर सिर्फ डॉली परफेक्ट है। डॉली की पतंग कट गई और तुम कुछ नहीं कर रहे हो टीटू। मैं टीटू को हारते हुए नहीं देख सकता, तुम एक इशारा तो करो। उनकी सारी पतंग गिराने के लिए मुझे पतंग की जरूरत भी नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया। क्यों? आप तो बस उस आखिरी वक्त का इंतजार कीजिए। उन लोगों ने हमारे 100 से भी ज्यादा पतंग काट दिए हैं। और पता है टीटू और हमने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। अभी तो सिर्फ 2 मिनट का गेम रह गया है। शेरा, 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 शेरा। अरे पतंग उड़ाना छोड़ दो। देखो कितना मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग, उनको तो मैं। रुक जाइए भैया, उनको अब जलवा दिखा ही देते हैं। तुम उधर क्यों उड़ा रहे हो टिट्टू? ताकि शेरा की पतंग काट सकूं। शेरा की पतंग तो उस तरफ है। ओफो, और तुम्हें पतंग काटना भी नहीं आता? और पतंग कैसे काटते मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लाओ दो मुझे। वो देखो शेरा, टीटू की पतंग आ रही है। शुरू हो जाओ सब एक साथ, ये लास्ट मिनट है। आई, ये क्या है? शेरा, टीटू की पतंग तुम्हारे पापा उड़ा रहे हैं। अगर तुमने उनकी पतंग काटी तो पिट जाओगे, पिट जाओगे, पिट जाओगे। बोलो पिट जाओगे कि नहीं? तक दिन अ दिन। क्या करूं? पापा की पतंग तो मैं काट ही नहीं सकता। मैं समझ गया, अब दे दीजिए। तो उनकी पतंगे काटने के बजाय क्यों अपनी और हमारी पतंगे कटवाते रहे? देखो जीत गए ना वो लोग। तुमने सिर्फ 5 काटे हैं, हमने पूरे 100 काटे हैं। आज के विनर शेरा की टीम को मिलते हैं पूरे 10 चॉकलेट। हैं देखो कितना चिढ़ा रहे हैं वो लोग हमें। तुमने जानबूझकर हमें हराया है, ऐसा क्यों किया टीटू? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक अनाउंसमेंट हमारे पास भी है। जीतने वाले को 10 चॉकलेट तो मिलेंगे ही। तो भाइयों, मेरे पास टीटू और उसकी टीम के लिए भी कुछ है। टीटू और उसकी टीम के लिए हर रोज 10 चॉकलेट के हिसाब से महीने भर के लिए पूरे 300 चॉकलेट। हाँ तो बजाइए टीटू के नाम पर ताली। कैसे हो गया? दरअसल आज अपनी दुकान पर मैंने 20% डिस्काउंट रखा था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था, इसलिए कोई आ ही नहीं रहा था।
टीटू ने मुझसे फ्री में बहुत सारे पतंग लिए और हर पतंग पर गुप्ता जनरल स्टोर 20% डिस्काउंट ओनली फॉर टुडे ऐसा लिख के उड़ाया और शेरा और उसके दोस्तों से जानबूझकर सारे पतंग कटवाए। अब वो पतंग जहाँ जहाँ भी गिरे होंगे। है गुप्ता जनरल स्टोर? है 20% डिस्काउंट। भतीजा, मेरी दुकान में इतनी भीड़ आई कि महीने भर का माल आधे दिन में खत्म हो गया। तो जैसा कि आपने देखा, टिट्टू जानबूझकर आ रहा है। वैसे शेरा जीता तो है और हमने एक चॉकलेट की शर्त लगाई थी, तो तुम शर्त जीत गए शेरा। ये लो एक चॉकलेट। तुम हमेशा अलग ही गेम खेलते हो। ऐसे क्यों हो टीटू? अब ऐसा ही हूँ मैं, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ।